तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 9 से 18 और 20 आयत। जब अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी, किंतु राजा योराम की पुत्री और अहज्या की बहन यहोशेबा ने अहज्या के पुत्र योआश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी और उसे उनकी धाई के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्या से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्या समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयदा ने कारियों के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। शतपतियों ने याजक यहोयदा के आदेश का पूरा पूरा पालन किया। प्रत्येक अपने आदमियों जो विश्राम दिवस को पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस को पहरे पर आए थे दोनों को लेकर याजक यहोयदा के पास आया। याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाल और ढालें दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयदा ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राजचिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उनका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्या लोगों का जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बज रही हैं। इस पर अतल्या अपने वस्त्र फाड़ कर चिल्ला उठी, ये राजद्रोह है। याजक यहोयदा ने सेना के शतपतियों से कहा, उसे बाहर ले जाओ, जो उसके साथ जाएगा उसे तलवार के घाट उतार दो, क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। वह उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए, वहाँ उसका वध कर दिया गया। तब यहोयदा ने प्रभु राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मत्तान को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बैठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्या को राजमहल में तलवार के घाट उतारा गया था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु ने सियोन को चुना
और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने शपथ खाकर दाऊद से प्रतिज्ञा की है, वे अपने वचन से नहीं मुकरेगा। मैं तुम्हारे वंशजों में से एक को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। अनुवाक्य: प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। यदि तुम्हारे पुत्र मेरे विधान का पालन करेंगे और मेरे दिए हुए नियमों पर चलेंगे, तो उनके पुत्र भी युग युगों तक तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। अनुवाक्य: प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। क्योंकि प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा, ये मेरा चिरस्थाई निवास है। मेरी इच्छा ये है कि मैं यहीं रहूं। अनुवाक्य: प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। मैं यहाँ दाऊद के लिए एक शक्तिशाली वंशज उत्पन्न करूँगा, अपने मसीह के लिए एक प्रदीप जलाऊंगा। उसके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा, किंतु उसके मस्तक पर मेरा मुकुट शोभ्यमान होगा। अनुवाक्य: प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य: हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अनुवाक्य: हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मूर्छा लगता है, ना कीड़ा खाता है और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आँख शरीर का दीपक है, और यदि तुम्हारी आँख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वह अंधकार हो तो यह कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।